चलें अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड कैरेट्स ले लेंगे, उसे रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पैन में घी लिया है तकरीबन 2 चम्मच। हमारे पास आलमंड्स हैं, 5 से 6 हैं तकरीबन, 7-8 भी कर सकते हैं आप लोग, जिन्हें हमने भिगो के रख दिया था। हमारे पास ये तकरीबन आधा कप किशमिश है, इसे भी हमने भिगो के रख दिया था धो के अच्छे। ये 4 अदद लंबी लंबी कटी हुई कैरेट्स हैं रेड कलर की, इन्हें भी हमने भिगो के धो के रखा था। हमारे पास लाइट सा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे चीज़ें। पहली चीज जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो है हमारी किशमिश। हम इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेप इसकी चेंज हो जाएगी, तब तक हम इसे सॉटी डाल देंगे। हम इसी में ही हमारे जो आलमंड्स हैं वो डाल देंगे, हम इस बाई से सॉटी डाल लेंगे। किशमिश है पहले फूल जाएंगी, अंगूर की शेप की हो जाएंगी और फिर लाइट साइन में सरकाना शुरू हो जाएगा। किशमिश है इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो अब हम इसे जो है ना निकाल लेंगे और अलहदा से रख देंगे। उसी ऑयल में हम कैरेट्स डालेंगे, इन्हें भी अच्छे से सॉटी कर लेंगे। कैरेट्स को लंबाई के रूप में कट करेंगे और बहुत ही पतला पतला इसका स्लाइस लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे। इसमें 2 चम्मच के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे और इसे कैरमलाइज कर लेंगे। चीनी का शीरा बन अच्छे से पका लेंगे और शीरे के साथ ही इन गाजरों को अच्छे से पकाएंगे। बस अब हम इसे रिमूव कर लेंगे और रिमूव कर दिया लहसुन। हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है और अब हम इस सबको स्ट्रेन कर देंगे। छान लिए, गोश्त भी तमाम मसालों के साथ अलहदा कर लिया है हमने। इसमें जो हमने जिंजर डाली थी उसे निकाल के अलहदा से पीस लेंगे। एक देगचा लेंगे जिसमें हमें चावल बनाने हैं, उसमें हमने ऑयल डालना है और उसे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज, तक बड़े प्याज डाल दिए हैं। इसमें हम लाइट ब्राउन कर लेंगे और साथ में कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। 3 से 4 अदद ये ग्रीन इलायची इसमें डाल दें, 1 अदद करी पत्ता डाल देंगे इसमें ब्राउन कर लें। अनियन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा गोश्त जो कि अलहदा से गलाया हुआ है बीफ। इसे भून लेंगे, तेल कूट के डाल देंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला हमारे घर का तैयार हुआ है, आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल से देख सकते हैं। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। गोश्त बिल्कुल भुन गया है, अब हम इसमें डबल द अमाउंट प्रोपोर्शन ऑफ राइस पानी डालेंगे इसमें यखनी। हमारे पास 2.5 गिलास चावल हैं तो इसके डबल कर लेंगे, 5 गिलास यखनी या पानी डाल देंगे। यखनी से इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। कोशिश करें जिस गिलास से आपने चावलों का नाप लिया है उसी ही गिलास से आप यखनी का भी नाप लें। चावलों को भिगोए हुए हमें कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट हो गए हैं, पानी बहुत अच्छे से खोला है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे, सारे चावल इसमें डाल देंगे। सारे चावल इसमें डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लें, हल्का सा मिक्स करें और बस इसे पकने के लिए रख दें। चावलों की टिप ये है कि जब आपने यूज़ करना है तो लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ करें। चावलों को आपने 30 से 40 करना है लाजमी। अभी भी चावलों में थोड़ा पानी हो लाइक दिस, आप उसे फ़ौरन से दम नहीं लगाएंगे, बल्कि चावल अच्छे से यखनी सारी पी लेंगे
तब आपने उसे दम लगाना है लाइक दिस। अब ये रेडी हैं दम के लिए। अब हम इसमें सारा ड्राई फ्रूट और कैरेट लगा देंगे इस तरीके से। दम को हमने हाफ ऑफ कर लिया था। हम इसमें थोड़ा सा वो शुगर वाला ऑयल भी यूज़ करेंगे ऊपर से जो हमने कैरेट्स में डाला था। तरीके से कपड़ा रख कर और अब हम इस पर दम लगाने के लिए कोई वेट रख देंगे। 20 मिनट तक दम देंगे और बस हमारे काबली पुलाव रेडी है। तो अब हम आपको एंड दिखाएंगे। इसे कपड़े से फोल्डिंग करके वेट रख के दम दे देंगे 5 मिनट का हीट पे और बाकी 15 मिनट विदाउट हीट दे देंगे। और मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। ये देख सकते हैं इंतहाई मज़ेदार हमारे काबली पुलाव बन के रेडी हैं और बहुत ही खिले खिले हैं। जो टिप्स मैंने आपको बताई है उसी से बनाइए ताकि आपके भी काबली पुलाव इसी तरह मज़ेदार बने। मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।